ईडी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, ऐसे में बगैर जानकारी के बोलना, हम समझते हैं वो कोई हमारी पार्टी के सदस्य भी नहीं है, अधिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके बारे में बेहतर मुख्य सचिव ही बता पाएंगे कि इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए। जहाँ तक इस तरह की कार्रवाई की बात है तो हम समझते हैं कि एक तरीके से जो प्रयास चल रहा है पिछले दिनों से लगातार, जिस तरह की खबरें आती है कभी सीआई की, कभी ईडी की, कभी इनकम टैक्स की, बहुत तरह से कहीं ना कहीं राज्य को एक आतंक के साए में जीने पर मजबूर कर दिया गया है और ये ठीक नहीं है। आप कार्रवाई करें, कार्रवाई से कोई मनाही नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं है। हमने सरकार बनाने के लिए समझौता किया है, भ्रष्टाचार का समझौता नहीं हुआ है। इसलिए अगर कहीं भ्रष्टाचार, लेकिन कोई व्यक्ति पहले ट्वीट कर दे और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हो तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण हो रहा है वो दिखाई देता है। संवैधानिक संस्थाओं को अगर कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो निश्चित रूप से वो देख समझ के करनी चाहिए। आप देखते होंगे भानु प्रताप शाही के मामले में क्या हुआ और बंधु तिर्की जी के मामले में क्या हुआ, तो आरोप किस पे कितने बड़े हैं उसकी भी कोई अब बात नहीं होती है। सीधा है कि एक प्रयास है कि सरकार की छवि खराब हो, सरकार को बदनाम किया जाए। और हम ये समझते हैं कि कोई भी अधिकारी इस सरकार और उस सरकार का नहीं होता है, वो सरकार का होता है, तो इसलिए उससे को रिलेट करके कोई बात न्याय संगत नहीं।